उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि। हमें लोता था मिली कोई नाचता है और नाचे वगैरह, तो जो आदमी था उसका जो पति था लड़की का, उसको गुस्सा आया, उसने वहीं पकड़े लड़की के बाल और वहीं मारा उसे, ले तपा टप ले तपा टप ले तपा टप गुस्सा। तो अब जो गुरु था, गुरु ने कहा भैया जब उसके पिताजी को बुला रखा है तो उनको भी एक चाल लगाओ। उन्होंने कहा गुरु कौन सी चाल लगाए तुम्हारे कौन से, उन्होंने गुरु चमड़ा खान गोलू देवता की चाल लगाओ लड़के की बात में। क्योंकि दोस्तों कहावतें ऐसी नहीं बनी, मुंह बोले अताल कताल लठ पड़े बीच कपाल, जब झेलना पड़ता है, जीभ का काम तो बोलने का हो गया दोस्तों, जब झेलना पड़ता है तब जाके पता लगता है। और मारी तीन दाड़ियाँ वहीं दोस्तों और फट से लड़के की टांग सही होगी दोस्तों। फिर सभी ने वहाँ दोस्तों सभी ने बोलिए गुलजू महाराज की। उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में हिमसु पहाड़ी में। और दोस्तों जो मैं ये कहानी लेके आ रहा हूँ आज, ये सच्ची घटना है चमन खान गोलू देवता की। और दोस्तों जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे को खुद मतलब इस चीज़ पे हैरान हुआ, तो मैं देख के खुद हैरान हुआ, आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा क्यों ना ये आप लोगों के दर्शकों के तक शेयर करी जाए ये कहानी सच्ची घटना गोलू देवता की। और दोस्तों ये घटना ऐसी है कि आज भी उत्तराखंड में हमारे जो गोलू देवता हैं वो न्याय करते हैं घर घर के घर घर में। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले श्लोक करता हूँ, श्लोक के माध्यम से सीधा घटना पर आता हूँ। प्रथम गणेश वंदना करूँ धरूँ गुरु का ध्यान, आये कंठ बिराजिए करूँ मैं गोलजू देवता की लीला का वखान। जय हो गोलजू देवता, सदा रक्षा करना। दोस्तों मैं कथा स्टार्ट करने से पहले सभी देवताओं का आदेश करता हूँ और आप सबको मैं आशा करता हूँ होली काफ़ी अच्छी रही होगी दोस्तों। तो हमारी भी काफ़ी अच्छी होली रही, देखो आप देख सकते हो हमारे गांव की होली किस तरीके से। दोस्तों कंपटीशन चल रहा है डांस का, एक एक करके बारी बारी जाएंगे, ये कंपटीशन चलता रहेगा। दोस्तों अगर आप पूरा मेरा ये वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर, दूसरा चैनल है मेरा हेम इंडिया से, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। मैं कहानी पर आता हूँ सच्ची घटना पर। दोस्तों जो यह घटना है, जो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और मुझसे रिक्वेस्ट करी गई है कि हेम जी कि इसमें आप हमारे मम्मी पापा और जो भाई बहन हैं उनका नाम को आप लुप्त रख देना, मतलब नाम वो जाकर मत करना, हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि और दोस्तों यदि किसी भाई को जैसे कहानी पर या शंका वगैरह कुछ हो तो आप मुझसे आके, यहाँ पर मेरा फेसबुक आईडी यहाँ पर आके और मेरी जीमेल आईडी पर आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इनको कांटेक्ट नंबर दे दूँगा, ठीक है, जिनके माध्यम से ये कहानी आई है। तो दोस्तों यह अल्मोड़ा गाँव की एक घटना है, तो मुझे वहाँ से यह घटना प्राप्त हुई है। तो सच्ची घटना है दोस्तों, एकदम सच्ची घटना है। और जो नहीं मानते हैं आज के डेट में गोलजू देवता को, तो ये उनके लिए दोस्तों एक प्रमाण का विषय है। तो दोस्तों मैं घटना पर आता हूँ। फिर दोस्तों ये बात है आज से काफ़ी टाइम पुरानी बात है। एक व्यक्ति हुआ करते थे, काफ़ी बुजुर्ग हुआ करते थे, उनकी चार लड़कियाँ थी और दो लड़के थे। समय के अभाव के साथ क्या हुआ, जो उनकी सबसे बड़ी पुत्री थी, तो उनका क्या हुआ, एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध चला। और जिस व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध चला तो वो पहले से शादीशुदा था और उससे कोई औलाद औलाद की व्यवस्था नहीं थी, कुछ औलाद वगैरह कुछ नहीं थी। जब प्रेम संबंध चला काफ़ी इनका, तो प्रेम संबंध चलने के बाद क्या हुआ, ये उनके घर में हाथ रिश्ता लड़की का हाथ मांगने आ गए उनके पिताजी के पास। अब जब इनके पिताजी के पास इनका हाथ मांगने आए तो इनने काफ़ी वहाँ पर उनसे हाथ भी जोड़े और पांव भी जोड़े। उनने कहा भैया हम तुम्हारे से हाथ जोड़ते हैं, हमारी लड़की की शादी कर दो और लड़के के साथ शादी कर दो। कितनी रिक्वेस्ट करे, कितना वो करा,
तो बुजुर्ग आदमी थे, उनकी चार लड़कियां भी थी, अब दबाव भी था ही दोस्तों समय का, भाव को चलते देखते हुए इन्हें क्या कर दिया, अपनी पुत्री की शादी उनके साथ कर दी। अब दोस्तों जब उनने अपनी पुत्री के साथ शादी उनकी करी तो क्या हुआ, समय का अभाव हुआ, उनसे भी कोई पुत्र की प्राप्ति वगैरह नहीं हुई। तो दोस्तों जब हमारे पहाड़ों में जब शादी वगैरह कुछ होती है, ऐसा कुछ होता है, तो लड़की पर जैसे कुछ विपता वगैरह कुछ होती है तो जो धमेली कोयल होता है वो लड़कियों पर वहाँ चले जाता है, लड़कियों के साथ उनकी विपता वगैरह आंसू देख के चले जाते हैं गोलजू, थोड़ा उसे टॉर्चर करना, ये करना वो करना होता था तो वो लड़की नाच जाती थी। तो उनके ससुरालियों ने कहा पता नहीं इस पर क्या भूत नाच रहा है, ये नाच रहा है, वो नाच रहा करके। तो उनने कहाँ फ़ोन करा, फिर उनके पिताजी के दादाजी को फ़ोन करा, तो उनने घर पर यात्रा लगाई, खूब बड़ा आयोजन करा यात्रा का। क्या हुआ, इनके दादाजी भी बैठे, अब यात्रा में बैठे तो उनने चाल लगाई तो उनकी लड़की नाची वहाँ, अब लड़की नाची नाचते गोहिल होता है, धमीली गोहिल नाचता है, वो नाचे वगैरह, तो जो आदमी था उसका जो पति था लड़की का, उसको गुस्सा आया, उसने वहीं पकड़े लड़की के बाल और वहीं मारा उसे, ले तपा टप ले तपा टप ले तपा टप, गुस्सा आ गया, उसने कहा ये ढोंगबाजी कर रही है ये सो करके उन्हें जागर में मारा। तो अब जो दोस्तों एक लड़की के बाप के सामने लड़की को मारना कितना बड़ा वो रहता है, आप वो लड़की का बाप ही जानता है, तो उसका बाप, अब तो लोगों ने उनसे कहा कि ये तुम्हारी लड़की को मार रहा है, तुम इनसे कुछ नहीं कह रहे हो। तो उन्होंने कहा यार जो करेगा भैया अपना झेलेगा, हम क्या कहें, अब जो करेगा भगवान अपना आप करेगा भैया, उसकी मर्ज़ी। अब दोस्तों वहाँ पर एक बाप ही था दोस्तों उसका सहारा लड़की का, और बाकी कोई सहारा भी नहीं था ऐसा। तो दोस्तों बाप ने भी क्या करता, बाप भी लाचार था दोस्तों, और बाप अगर कुछ बोलता तो शायद उसको भी मार देते, तो इसलिए बाप ने भी डर के मारे कुछ नहीं बोला। तो क्या हुआ दोस्तों, बाद में क्या हुआ, जब ये हुआ सारी घटना हुई, तो बाद में जब सारी जागरण अगर ख़त्म हुई, उन्होंने कहा भैया कुछ फैसला ऐसा निकला नहीं। तो अब जो गुरु था, गुरु ने कहा भैया जब उसके पिताजी को बुला रखा है तो उनको भी एक चाल लगाओ। उन्होंने कहा गुरु कौन सी चाल लगाएं तुम्हारे, कौन से, उन्होंने गुरु चमड़ा खान गोलू देवता की चाल लगाओ। तो क्या हुआ दोस्तों, चमड़ा खान गोलू देवता की जैसी चाल लगती है, ले चाल लगते 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 चमड़ा खान गोलू देवता प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट होते हैं चमड़ा खान गोलू देवता दोस्तों, और नाचते नाचते दोस्तों, फिर वो सब जो लड़की थी वो उनके चरणों में चले जाती है, और दूसरे वहाँ के जो लोग थे वो चरणों में चले जाते हैं। जो लड़का था जो जिसने मारा था वो कहाँ कहाँ होते हैं, उन्होंने कहा सब ढोंगबाजी चल रहा है ये, जो नाचते नाचते उसके सामने गए। उन्होंने कहा तूने क्या नाम कहते हैं जो मेरी सौकारी को मारा है, तुझे पता था उस पर कौन से गोल जो आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं करके, हैं तूने जो उसे मार दिया तूने उसे अकेला समझ रखा है यहाँ पर इतने बड़ों के बीच। तो उन्होंने कहा, वो कहने लग गया हम हमारे घर में इतने बड़े बड़े होता है दोस्तों, उन्होंने कहा हमारे घर में इतने बड़े बड़े देवता हैं, हमारे घर में यह है सो है, तो लड़की कैसे नाच रही है क्या नाच रही है। तो उन्होंने तुझे पता है गोल क्या नाम कहते हैं जो गोल जो आते हैं तो क्या होता है करके। उन्होंने मैं नहीं मानता किसी को, लड़के ने बोला मैं नहीं मानता किसी को ऐसा, ऐसे तो कितना आते क्या आते हैं। लड़के ने अपना होता है दोस्तों अहम भाव, उन्होंने कहा उन्होंने ठीक है तू नहीं मानता तो उन्होंने ले, उन्होंने कहा जो तेरे घर का है और जो तेरे उसका है वो तेरे को अब जो करके जो मेरी दाणी को अगर रोक के दिखा दे और मेरे इसको रोक के दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा, आज के बाद ये चमड़खानी गोलू देवता कहीं नहीं नाचेगा, किसी घर में नहीं नाचेगा जा। उन्होंने कहा मैंने बहुत देखे ऐसे देवते। तो पकड़ी गोलजू ने दाणी और मारी तीन दाणियों, बहुत का छाला मारे जब लड़के के ऊपर, तो लड़का क्या हो गया वहीं पैरालाइज हो गया। अब दोस्तों जब लड़का पैरालाइज हो गया तो वो गोलजू जो थे वो चले गए उस पर से, तीन दाणियाँ मार गए। उसके बाद क्या दोस्तों हकीकत की बात है, लड़का दो कदम नहीं हिल पाया दोस्तों वहाँ से, वहीं पड़ा तो वहीं पड़ा रह गया दोस्तों, और केवल आँख से आंसू निकल रहे थे लड़के के बाद में, क्योंकि दोस्तों कहावतें ऐसी नहीं बनी, मुंह बोले अताल कताल लठपड़े बीच कपाल, जब झेलना पड़ता है, जीभ का काम तो बोलने का हो गया दोस्तों, जब झेलना पड़ता है तब जाके पता लगता है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, होता ही दोस्तों देखो इंसान क्या होता है दोस्तों, अहम भाव वाला होता है दोस्तों, हम कोई भी चीज़ को देख लेते हैं तो हम कहते हैं यार हम सही कर देंगे हम सही कर देंगे, उन्हें कर दिया तो हम सही कर देंगे। उन्हें लगाओ गुरु मेरी चाल लगाओ, तो उन्हें उनके घर के देवता की चाल लगाई, ले रात भर हुड़के बजाते रहे बम बम, उन्होंने कहा मेरे यारे देवता की चाल लगाओ दोस्तों, वाले देवता की चाल लगाई, उन्होंने कहा मारी दाणियाँ, उन्होंने कहा मैं सही कर दूंगा, उन्हें बबूत का फुक्का मारा, उन्होंने कहा मेरे यारे चेतु देवता की चाल लगाओ। दोस्तों नहीं आया, रात भर नहीं भी हुआ, कम से कम 8-10 से ऊपर देवताओं को नचा दिया, सारे देवताओं का नाम लेके देख लिया, सभी देवताओं का नाम लेके देख लिया दोस्तों, लेकिन वो लड़के को एक कदम नहीं हिला सका दोस्तों,
किसी ने उसका पाँव से अंगली तक नहीं हिला सका दोस्तों, लगा लो किसी ने फुक्का मार दिया, किसी ने मार दिया दोस्तों। रात से सुबह हो गई, सुबह से 9 बज गए दोस्तों, 10 से 11 बज गए, लेकिन वो लड़के को कोई हिला नहीं सका दोस्तों। और कितने बड़े बड़े डंगरी आ गए दोस्तों, वहाँ पुछेरे आ गए, सब आ गए दोस्तों, लेकिन वो लड़के को कोई भी सही नहीं कर सका दोस्तों, कोई भी हिला नहीं सका दोस्तों। उसके बाद मरता क्या नहीं करता दोस्तों, सबके लिए धर्म संकट हो गया था। तो दोस्तों जो विधि का विधान होता है वो तो लिखा ही रहता है दोस्तों, उसको कोई नहीं टाल सकता। तब क्या हुआ दोस्तों, बाद में फिर क्या होता है, जब उसके घर वाले सब लाचार हो जाते हैं, उन्होंने हार मान है, तो उन्हें परमेश्वर भगवान ये क्या हो गया, कैसे सही होगा, परमेश्वर भगवान तुम सही करो जो भी है। तो दोस्तों सब किसके चरणों में जाते हैं, जो गुरु था, गुरु सब जानता है दोस्तों, गुरु ने रास्ता बताया। फिर जो जगरिया होता है उन्होंने कहा वो बैठा है उसके चरणों में जाओ सब जने, अभी बांध नहीं बिगड़ी है, जो थमने वाला होगा थम जाएगा, जो रोकने वाला होगा रोक देगा, जो बांधने वाला होगा बांध देगा, जो खोलने वाला होगा खोल देगा, वो सब जाओ चमड़खानी। फिर गुरु ने बताया कि चमड़खानी कितना बड़ा होता है, परमेश्वर महाराज जो गलती हो गई जो भी हो गया, जो लड़के ने हमारा जो भी बोल दिया आक्रोश में ये कर दिया, हम सब लोग इससे समझाओ पताओ बोला है, हम सब लोग इसके लिए इस आपसे क्षमा मांगते हैं और आप दयादानी में आ जाओ। तुम तो राजवंशी हो, चमड़खानी हो, आसनी सभी देवतों की अगवानी करते हो, तुम राजवंशी गोयल इसलिए नहीं कहलाते हो क्योंकि तुम्हारा न्याय का डंका बजता है और इसीलिए आज तुम्हारा नाम हुआ। दोस्तों आज के चमड़खानी को देवता क्या कहता था, तो देख ली तूने ताका सबकी, चमड़खानी को भी देख लिया तूने। तब वो कहते सब लोग लाचार होते हैं, परमेश्वर महाराज रास्ता खोल दो और बंदी खोल दो बच्चे की। तो उन्होंने कहा मैं खोलता हूँ उसकी बंदी, बोले अब तेरे को मेरा मंदिर बनाना पड़ेगा, थापना पड़ेगा चमड़खानी के आगे। तब उन्होंने कहा जैसा कहोगे आप। उन्हें पकड़ी बबूत की थाली और मारी 3 दाणियाँ वहीं दोस्तों, और फट से लड़के की टांग सही होगी दोस्तों। फिर सभी ने वहाँ दोस्तों सभी ने महाराज की ऐसे पर्चे मिलते हैं लोगों के और जब ऐसा विश्वास होता है दोस्तों तो दोस्तों सब सही होता है। तब दोस्तों उसके बाद उसी लड़की में से जहाँ औलाद नहीं हुई थी दोस्तों, उसी में से एक लड़का हुआ, आज की डेट में बहुत बड़ा है लड़का दोस्तों, और अल्मड़ा स्कूल में पढ़ता है और बढ़िया ढंग से स्कूल में जा रहा है और वन से चल रहा है दोस्तों उनका आज की डेट में। तो दोस्तों ऐसे पर्चे मिलते हैं गुरु देवता का न्याय का दोस्तों, न्याय का फैसला ऐसा करते हैं गुरु देवता, ऐसे गुरु देवता को सत सत न बने। जय हो चमड़खानी गुरु देवता, सदा रक्षा करना, तुम्हारी माया की कृपा लगी है दोस्तों। मैं अब ज़्यादा ना बोलते हुए अपने एक सब्सक्राइबरों ने मेरे सवाल जवाब मेरे से पूछे हैं तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ, तो और बाकी लोगों का मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि उसमें मुझसे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि यार मैंने 2 महीने से आपको एक कहानी देने को कर रखा है तो आपने मुझे नहीं दिया है। तो मित्रवर ऐसा है देखो, उन्होंने बोला तुम कथुरियों की डालते जा रहे हो। देखो जो मैं आज ये कथुरियों की कहानी लेकर आ रखा हूँ, दरअसल इसमें मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे एक एक साल मतलब ऐसे हो गए 3-3, 4-4 महीने हो गए कि कथुरियों की याली देवताओं की वीडियो डालो, याली देवता की वीडियो डालो, तब जाके मैंने इनके उसमें मजबूरन सीरीज बनाई है। अभी मेरे पर हरजू करूँ की भी आ रही है, लगातार आ रहा है कि आप हरजू करूँ की देवता को डालो हरजू करूँ, तो मैं उसमें सीरीज में काम कर रहा हूँ। और आप ही अगर आप लोग ही मुझे नहीं समझोगे यदि मैं किसी देवता की कहानी नहीं डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे आती हो तो तब जाके मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ, कहीं पर मुझे नहीं आती होगी, मैं किसी से सर्च कर रहा हूँ ये कहानी आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है, कई गुरु से मिलना पड़ता है, जैसे मुझे कहानी मिलेगी आपकी तो मैं वो डालूंगा। अब जैसे रमोला देवता जी के बारे में आ रखा है, अब आप अधिकतर आप लोगों ने किसी ने नाम सुना है नहीं सुना ने, लेकिन अब मेरे पास आ रखा है तो दोस्तों मेरे लिए संकट है ना, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा 10 लोगों के पास, तब वो प्रूफ करके मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मित्रों। और अगर आप ही लोग नहीं समझोगे तो फिर तो मैं दोस्तों मैं किसके पास जाऊँगा, आप ही लोग मेरे पर प्रति आरोप लगाओगे कि तुम जानबूझ के कहानी, मुझे 100% अगर मुझे कहानी आती तो मैं दूसरे दिन ही डाल देता आपकी कहानी, लेकिन मुझे सर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है, इधर उधर गुरुओं के पास जाना पड़ता है, तब जाके मैं आप लोगों के बीच में कहानी लेकर आ पाता हूँ कहीं। जैसे मित्रवाद जैसे कोई कहानी किसी को आ रही है, जैसे मेरे पे कहानियाँ डायरेक्ट आ रही है, तो ये मैं आप लोगों के पास साझा कर रहा हूँ। तो इसलिए मित्रवर ऐसा मत कहना कि यार जानबूझ के कहानी के ऐसा आरोप मत लगाना, क्योंकि मुझे अगर आती तो मैं 100% आपके उसमें कल ही परसों में डाल देता, ठीक है। तो जब लगे आपको कि शेयर करना चाहिए तो दोस्तों आप अपने मित्रवर और जहाँ जहाँ तक हो सके कहानी को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसी सच्ची घटनाएँ गुलजू महाराज की अगर कोई मिले आपके पास मिले तो मेरे चैनल में जरूर भेजना, और मेरे दोस्तों आप मेरी आईडी पर आके मेरे को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं।